स्माइल, स्टॉप, हंसना मना है। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब। तो वेलकम बैक टू माई चैनल क्वीन सादिया व्लॉग्स। मैं हूं सादिया जी। आज ये मेरा सेकेंड व्लॉग है और ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि आज हम आए हैं बेंगलोर के सबसे खूबसूरत से म्यूज़ियम को, जिसका नाम है विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजी म्यूज़ियम। जी हाँ, यहाँ पर हर एक चीज़ टेक्नोलॉजी के हिसाब से है। इंडस्ट्रियल जैसे कि ट्रेन, आप नाम भी देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए। तो यहाँ पे ट्रेन का जो एरोप्लेन और जो स्पेस में जो गए थे ये वाला सब कुछ है, मतलब बहुत अच्छा है यहाँ का। तो चलिए जाते हैं अंदर टिकट्स के काउंटर में, देखते हैं कैसा क्या होता है टिकट्स का सब। तो अब हम आए हैं टिकट्स काउंटर में, लाइन बहुत है, आप क्राउड भी देख सकते हैं यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा लाइन थी। तो जी अब हमने टिकट्स ले लिया है। यहाँ पर मैं आपको कुछ बताती चलूँ। देखिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ मैजिकल चीज़ें देखने को मिलेगी। सस्पेंस है आपके लिए, उसके लिए लास्ट तक वीडियो देखना पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं पहले इंजन हॉल की तरफ। तो इसकी एंट्री है यहाँ से और आप देख सकते हैं जी यहाँ का सारा व्यू। आप जस्ट लाइक इमेजिन कितना प्यारा है, आप जस्ट देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। और आप मैंने मेरा थंबनेल तो देख ही लिया होगा। थंबनेल में जैसे कि मैंने आपके लिए कुछ सस्पेंस रखा था और वो सस्पेंस है ये जनाब डायनासोर जी। हाँ जी हाँ, ये डायनासोर हैं। यही सस्पेंस था, जो छोटा वाला सस्पेंस जो मैं आपको दिखाती हूँ। चलो इसके टेल से आहिस्ता आहिस्ता पूरा सा डायनासोर, ये देखिए। और लिटरली मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बच्चे लिटरली बहुत डर रहे थे इसको देखकर, क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी मूवमेंट हो रही थी। ये मुंह खोल खोल के डरा रहा था, आवाज़ें निकाल निकाल के डर रहा था, अपनी आंखों को हिला रहा था, शेक, मतलब पलकें भी झपका रहा था। तो लिटरली बच्चे डर रहे थे जी। अब हम ऊपर की तरफ आए हैं और आप देखिए इसका व्यूज़। यहाँ की कैप्टन, यह जो स्टैचू है यहाँ की कैप्टन के हिसाब से बनाया गया है, और यहाँ के इंजिन्स, ये सब आप देख सकते हैं, और यहाँ के पूरा पार्ट्स। और ये बच्ची बड़े सब लोग ट्राई कर रहे थे यहाँ का। अब देखिए यहाँ के ट्रेन के स्क्रूज़, सारा सामान, बेल्ट, मैकेनिज़म्स। और इसकी स्पेशलिटी क्या है, अगर आप यहाँ पे एक बटन जब प्रेस करते हैं तो मूवमेंट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए जी हर एक चीज़ यहाँ पे मूवमेंट होती है। अगर आप सेकंड वाला करते हैं तो सेकंड का भी सारा लाइन तक मूवमेंट हो रहा है। अगर आप जाते हैं थर्ड वाले में, थर्ड वाला भी पूरा मूवमेंट हो रहा है। तो सारे भी बटन के हिसाब से ही चल रहे थे यहाँ पर। तो मैंने भी ट्राई कर लिया, ये देखिए। और ये गोलू मोलू बच्चा मुझे बहुत प्यारा लगा, गोलू मोलू। हाँ जी, और बाजू वाला, मतलब सारे वैसे ही हैं। तो अब ये भी दिखाऊँ मैं आपको। और ये है मशीन्स, इंजिन्स, सॉरी। तो हम नीचे की तरफ आए और ये नीचे का पार्ट्स है जो भी दिखाई दे रहा है अभी आपको। और यहाँ देखिए जी सारे लोग ट्राई कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एन्जॉय बहुत किया बच्चे बड़े सब लोग। और ये आंटी सब घूम घूम के थक के बैठ गए थे और मैं उनके ऊपर से ही वीडियो बना रही थी। और ये देखिए ये क्या है, 1916 का है ये, जो उस ज़माने में बनाया हुआ था, उसका मॉडल अभी बना के रखा है। और इसके अंदर एक आदमी भी बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसके अंदर है ये, जैसे कि रियल, कोई रियल में बैठा हुआ है ऐसे लग रहा था। तो अब हम चलें। ये देखिए ये बच्चे सब कुछ एक्सपेरिमेंट में लगे हुए हैं, सब कुछ। और ये है बॉल पेन, पॉइंट पेन, कितना बड़ा वाला पेन है। और इसकी निब भी चेंज हो रही थी, जब ऐसे प्रेस करते हैं तो उसका निब भी चेंज हो रही थी। और यह है इलेक्ट्रिक बटन, मतलब ये मुझे अच्छा लग रहा था तो बस मैं प्रेस करती गई। और यह है पंप, यहाँ से कुछ होते हुए आया है पंप, और यहाँ पे देखते हैं तो चेंज हो रहा है कुछ पानी, और इस पाइप से होते हुए कहाँ जा रहा है क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ इसको, मतलब सीरियसली बहुत ही अच्छा लगा मुझे इसको देखकर। और ये जिब, कितनी बड़ी जिब है, इसको व्हील की तरह घुमाना पड़ रहा है। और हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, देखते हैं अब ऊपर की तरफ क्या है। मतलब सारा पूरा, मतलब पूरा नॉलेजेबल ही है, अच्छा है। और हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। और ये है फन साइंस, और हम जा रहे हैं अंदर फन साइंस। ये देखिए पजल्स के हिसाब से बना गया है। एक एयर कैनन, टॉम एंड जेरी का पूरा, मतलब बहुत अच्छा है। ये है, इसको कुछ कह रहे थे यार, ये है हाँ इन्फिनिटी वेल, वो था इन्फिनिटी वेल। ये था पानी का, और ये सब मतलब पूरा इलेक्ट्रिक, पूरा साइंस के हिसाब का था। और ये है लिक्विड पेंटिंग, ये तो मिरर इफेक्ट है, ये मिरर इफेक्ट की तरह है ये सब कुछ, लिक्विड पेंटिंग। इट्स ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा था। और यहाँ पे बच्चे खेलने लगे। यहाँ पे देखिए अनस ना कोई जगह नहीं छोड़ती खेलने के लिए। अनस चालू हो गए खेलने, बस खेली जा रहे थे। और ये देखिए सबसे स्पेशल बात यहाँ की, मैजिकल वाटर, जो मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में आपको कुछ मैजिकल चीज़ें देखने की मिलेगी। जी देखिए ये एक है मैजिकल वाटर, मतलब आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, कोई मतलब कोई प्लम्बिंग कुछ भी नहीं है। मतलब ये पानी आ कहाँ से रहा है, आप देख सकते हैं बकेट रखा हुआ है, पानी जा रहा है, खुला हुआ है टैब, मतलब पानी जा रहा है, लेकिन ये आ कहाँ से रहा है कुछ भी समझ में नहीं। सारे बच्चे भी हैरान हुए हैं, देख सकते हैं बच्ची भी। और ये एक मैजिक है, आपकी सर है मगर धड़ हजम हुआ है आपका, आपकी बॉडी इनविजिबल, सिर्फ सर ही आपका विजिबल है। ये एक मैजिकल चीज़ें हैं। तो ये है स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस की हर एक चीज़ है इसके अंदर। और ये है इंडिया के सबसे पहले जो स्पेस पे गए हुए थे, आप इनकी रियल फ़ोटो भी देख सकते हैं यहाँ पे। और ये देखिए, और फ्लाइट मैकेनिज्म, और जो भी फ्लाइट का जो मैकेनिज़्म, छोटा मोटा जितना भी हो सका मुझसे मैंने बना लिया वीडियो। अगर आपको पूरा वीडियो कंप्लीट देखना है तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, मैं पूरा डीपली वीडियो बनाऊंगी इसका। और ये देखिए जी, ये घूम रहा है, इसके पंखे घूम रहे हैं, देखिए। और ये है पूरा एयर स्पेस का मैकेनिज्म, सॉरी स्पेस मटेरियल्स, हाँ जी ये है स्पेस मटेरियल्स। तो मैं आपको जल्दी जल्दी करके इसको दिखा देती हूँ आपको। ये है स्पेस मटेरियल्स, और आगे बढ़ते हैं। और जी ये है देखिए लाइटिंग, सब लाइक स्विचेस के हिसाब से पूरा, अगर आप बटन प्रेस करते हैं यहाँ पे तो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रिक का सब कुछ। ये है स्पेस शूज़, और यहाँ पे है स्पेस का टाइटानियम स्पॉन्ज, मैं आपको इसको भी जूम करके दिखाती हूँ ऊपर से। ये देखिए टाइटानियम स्पॉन्ज, ये कुछ एंटीना था, ये भी बटन के हिसाब से चल रहा था। अगर मैंने प्रेस किया इसको तो ये सारा गोल गोल घूम ही रहा था। तो ये भी मुझे अच्छा लगा देखने के लिए, तो फिर मैं एंजॉय कर ही जा रही थी। आप देख सकते हैं सब लेडीज, बच्चे, बूढ़े सब घूम खेल रहे थे। और अनस आ गए स्पेस में, बहुत अच्छा इसमें। और चले जी, ये देखिए स्पेस सूट, सबसे अच्छी बात है ये है स्पेस सूट, ये रियल है एक्चुअली, ये रियल में रखा हुआ है वहाँ पे। तो मैं आपको इसकी एक्चुअली अप्रॉक्स कीमत बताती हूँ। चलो, इसकी कीमत है करोड़ों में, इसकी कीमत करोड़ों में जाती है। ऑफ कोर्स बेशक करोड़ों में जाएगी, क्योंकि ये स्पेस के कपड़े हैं, कोई मामूली नहीं है। आप इसको पूरा कंप्लीट देख सकते हैं। और स्पेस के कपड़े, स्पेस में ये क्या खाने खाते थे, ये सब मैं आपको इसमें दिखाऊंगी। अब ये देखिए जी, ये स्पेस में ये खाना खाते थे, जो है इंस्टेंट छोले, बासमती चावल, ये सब स्पेस में खाना खाते थे ये लोग जो स्पेस में गए थे। आज भी शायद यही खाते हैं, नो आइडिया। तो जी ये है इस म्यूज़ियम की सबसे अच्छी चीज़ जो हमने देखा, ये है एक स्टैचू जो अलग अलग शक्ल से चेंज हो रही थी। ये एक हाफ स्टैचू है, मगर हम जो भी नेम चेंज कर रहे थे, आप इसकी नेक की तरफ देख सकते हैं, जो हम नेम बदला रहे थे, जो मैगजीन्स में चेंज कर रहे थे, वो सब चेंज, उसकी फेस, शक्ल, रिएक्शन चेंज हो रहा था। पलक झपका रही थी, पलकों को स्माइल कर रही थी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आप ये नाम भी देख सकते हैं, चेंज हुआ है और बहुत खूबसूरत लग रही है। मगर तो बहुत यूनिक था, बहुत अच्छा था, मैंने कभी कहीं नहीं देखा ये। बहुत ही अच्छा वाला, मतलब ये डिज़ाइन बहुत अच्छा था इसका, जो इसका स्टैचू का जो रिएक्शन चेंजेस हो रहा था हमें बहुत ही अच्छा लगा। बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया इसको देखकर, तो लिटरली बहुत अच्छा लगा। तो अब हम आए हैं म्यूज़ियम के बाहर, अब हम घर जाने लगे, घर के लिए निकल रहे हैं। आप बाहर का भी व्यू दे सकते हैं, मौसम भी कितना प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत मौसम बना हुआ था। तो सब लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं, फ़ोटोज़ ले रहे हैं, हमें भी बहुत अच्छा लगा। तो ये देखिए जी व्यूज़ कितना अच्छा है बाहर का। तो अब ये वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।